अब हम देख लेते हैं रिएक्ट राउटिंग। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक पैकेज चाहिए हमें, npm i react router डो, ओ सॉरी, रिएक्ट राउटर डोम का हमें पैकेज चाहिए। और उसके बाद ठीक है, रिएक्ट राउटर डोम का पैकेज आ गया। तो अब हम चलेंगे सबसे पहले सोर्स इंडेक्स डॉट जे एस में, जहाँ पे ये है, यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे लेट्स से, इसको बाद में देख लेते हैं, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से। ब्राउज़र इस तरह था कि इस तरह था, ब्राउज़र राउटर इस तरह, ठीक है, ब्राउज़र राउटर। और इसको यहाँ पर हम जाकर पेस्ट कर देंगे इसी को, सॉरी जब हमने इधर पेस्ट कर दिया तो फिर इधर क्या, इसको बेसिकली रैप करना है हमने, ठीक हो गया। तो इस तरह ये आ जाएगा ब्राउज़र राउटर, यहाँ पर हम इसको कर देंगे। और फिर अब जाएंगे हम ऐप डॉट जे एस, जिधर भी हमने वो करने थे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, रिटर्न करेंगे बेसिकली राउट्स को, तो डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको इंपोर्ट राउट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है, और चेक कर लेंगे यही है राउट्स हैं, ठीक है। और फिर एक होता है राउट, तो अगर कोई कोई वी फोर यूज़ कर रहा है तो यानी कि जिन्होंने वी फोर में थे स्विच और राउट वगैरह, अब वी सिक्स है ये, तो इसमें चेंजिंग है थोड़ी सी। तो राउट्स आ गए, ठीक है, उसके अंदर आ जाएगा हमारा स्पेसिफिक राउट, पाथ होता है, ठीक है, पाथ हम स्टैटिक के साथ कर देते हैं लेट्स से स्टैटिक यूज़र स्लैश साइन अंडर स्कोर इन, ठीक है, और बिल्कुल इसको बंद भी कर देते हैं। अच्छा ये एरर दे रहा है तो इसको हटा ही देते हैं ताकि हमारे पास एरर ना आए, ठीक है। तो साइन इन आ गया, और फिर हम एलिमेंट इसमें यूज़ होता है, एलिमेंट में हम क्या करते हैं, पूरा एलिमेंट पास करा देते हैं फॉर्म का, ठीक है, ये फॉर्म का पास करा देंगे। इस तरह जब साइन अप पे जाए तब भी फॉर्म जो है वही लोड हो, तो एक ये चीज़ होगी। मतलब यहाँ पर अब हम भेज सकते हैं इस साइन इन पेज है, तो हम कह देंगे यस ट्रू, और इस साइन इन पेज इधर हम कह देंगे फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पाथ हो गए, और तीसरा एक पाथ हम बना देते हैं जो कि सबसे ऊपर ही रह जाता है, सबसे ऊपर हम रख देते हैं क्योंकि वो हमारा सिंपल पाथ है। तो सिंपल से मुराद है हमारा मेन जो है, तो इस तरह हम इसको कर देते हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं चीज़ें चल रही हैं कि नहीं, तो शायद कोई एरर वगैरह आ गया, यूजरेफ ब्राउज़र राउटर, ब्राउज़र राउटर में एरर आ गया ये मेरे ख्याल से, शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो, अगर मैं स्ट्रिक्ट मोड हटा दूँ तब भी है, तो स्ट्रिक्ट मोड का तो मसला नहीं है, मसला किसी और चीज़ का, रिएक्ट राउटर डोम में से ब्राउज़र राउटर ही यूज़ किया है मैंने, सॉरी मैंने ऐप के अंदर ही यूज़ किया। सो क्या मसला आ सकता है, अच्छा यहाँ पे तो कोई मसला नहीं आ रहा, तो लेट्स किसी दूसरे चले जाते, यूज़र्स स्लैश साइन अंडर स्कोर इन, तो मसला आ जाएगा। कैन नॉट यूज़ रिफैक्ट क्या कह रहा है, मैंने ऑनलाइन चेक किया और मुझे जो पता चला उस पर मुझे ऐसी भी और थोड़ा अजीब सा भी लगा, वो ये था कि बेसिकली अगर अभी हम देखें तो मैं टर्मिनल में चैट ऐप में हूँ, मतलब कि मैं फोल्डर में हूँ मेन फोल्डर पे, जबकि मुझे मैंने वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, जबकि मुझे क्लाइंट में जाकर इंस्टॉल करना था रिएक्ट राउटर डॉम। तो बेसिकली अगर मैं भी देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पढ़ा ही नहीं हुआ, अब आया ये, ठीक है, क्योंकि अब ये पैकेज हुआ है। सो दैट्स माई मिस्टेक एंड इट्स अ बिग मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। अच्छा तो ब्राउज़र राउटर आ गया हमारे पास, तो ऐप डॉट जेएस में हमने सारे राउट कर दिए,
सो ये अभी भी एरर दे रहा है। अच्छा अब ये राउट्स का एरर दे रहा है। अब ये पहले वाला एरर नहीं है, ये कोई दूसरा एरर है। रिएक्ट ऐप रिएक्ट राउटर डॉम, राउट्स पकड़ तो लिए मैंने, और ये राउटर रिएक्ट राउटर डॉम, ये करना होता हमने। ठीक है ठीक है, सो इट्स वर्किंग फाइन। स्लैश यूजर्स स्लैश साइन इन करता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं, तो इनको मैं अब करता हूँ। तो अभी मेरे पास सही चलने लगे फॉर सम रीज़न। अच्छा तो एज यू कैन सी हमारा जो साइन इन पेज है वो थोड़ा ख़राब हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। साइन इन पेज फॉर्म में गए तो बेसिकली अभी हमारे पास अभी कोई मेन डिव नहीं थी, तो इसको मेन डिव अब बना देते हैं। तो पहले हमारे पास हम वो यूज़ कर रहे थे, अब वो नहीं है, मतलब कि पहले ऐप में हम थे, तो उसको अब हम कर देते हैं क्लास नेम। सबसे पहले बीजी लाइट कलर है ठीक है, और एथ स्क्रीन था लेट्स से ठीक हो गया। और उसके बाद बाकी फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर ताकि मिड में आ जाए। तो ये अभी अच्छा दूसरी चीज़ अब ये इसके अंदर हमारी ईमेल फील्ड ख़राब हो गई है, उसको भी हम ठीक कर लेते हैं। तो इनपुट फील्ड में हमने ऐसा क्या दिया है, MB6 वैसे, अच्छा क्लास नेम MB6 दे दिया, लेकिन उसे मेरे ख्याल से कोई फ़र्क पड़ता है, तो ऐसा तो कुछ हमने दिया तो नहीं। लेट से हम अगर इसको फुल कर देते हैं, हाँ ठीक है, इसको हम 50% करके देख लेते हैं ठीक है। हाँ इसी अच्छा तो इस वजह से हमने इसको उसको जो था वो हमने 50% दिया था, तो हम इनको कर देते हैं 50% सबको। विड्थ हमारी आ जाएगी 50% और इनपुट 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 फील्ड ये विड्थ इज इक्वल टू 50%, तो ये हमारे पास बाकी सही हो गया, ये चीज़ हो गई। अच्छा अब दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे पास ये साइन इन पे चल गया, और अगर मैं जब साइन अप पे जाता हूँ तो मुझे साइन अप का पेज भी मेरा सही चल रहा है। तो बेसिकली हमारे पास आ गया, अब मैं इस पे लिंक डालना चाह रहा हूँ कि साइन इन करे तो साइन इन के पेज पे चला जाए। तो ये डिब है सॉरी इस पेन पे लगाना है, तो मैं कहूँगा कि ऑन क्लिक सॉरी ऑन क्लिक पे है ऑन क्लिक, तो उसके लिए अब हम यूज़ करेंगे हमारे पास इधर यूज़ होता है यूज़, इसको फिर बाद में हम कर लेते हैं इंपोर्ट, पहले ये रिएक्ट आउटर डॉम से कर लें। वो हमारे पास होता है नेविगेट सॉरी ठीक है, तो नेविगेट आ गया, और इसको हम कॉन्स्ट नेविगेट होता है इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट नहीं होता, न्यू यूज़ नेविगेट होता है कैसा, ये अब नेविगेट इसकी सारी पावर्स नेविगेट में आ गई, और नेविगेट हम करेंगे नेविगेट को कॉल, और उसके अंदर हम यूआरएल दे देंगे यूज़र्स स्लैश स्लैश, इसका मतलब थोड़ा सा डायनामिक भेज देते हैं। सेम कंडीशन अगर ये साइन इन पेज है तो हम इधर लिखना चाहेंगे साइन अप एल्स साइन इन ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे साइन इन पेज पे ले गया, और साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो साइन अप पेज पे ले जाता है। सो इसका मतलब ये भी काम कर रहा है, तो हमारी राउटिंग भी होगी, और अगर मैं इसको होम पेज पे ले जाऊँ तो ये होम पेज पे भी चला जाएगा। अब मसला ये है कि मैंने इस पर लगाना चाह रहा हूँ प्रोटेक्टेड राउट बेसिकली ठीक है। तो मैं सबसे पहले ऐप में आऊँगा, हमारे पास यहाँ पर जो हम एलिमेंट यूज़ करते हैं इसी के अंदर हम यूज़ कर लेंगे प्रोटेक्टेड राउट के कंपोनेंट। तो सबसे पहले उसके लिए प्रोटेक्टेड राउट का कंपोनेंट बना लेते हैं प्रो। अच्छा हमने लास्ट टाइम एक बनाया हुआ है राउट्स का भी फोल्डर, उसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस बनानी थी, और उसके अंदर फिर ये सारा काम करना था, जैसे राउट्स को कॉल करना था, लेकिन अब वो नहीं यूज़ कर रहे तो खैर है, अब हम डायरेक्ट ऐप में यूज़ करें। तो प्रोटेक्टेड राउट कर लेते हैं, ये फंक्शन होगा एक कंपोनेंट है इसके लिए, तो जो कि इधर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट चिल्ड्रन, लगे चिल्ड्रन कंपोनेंट ले रहा होगा। करेगा क्या सबसे पहले ये करेगा कि इज़ लॉग्ड इन चेक,
चेक करेगा वो कैसे, वो हम क्योंकि उसमें रखवाया होगा तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र कॉलन टोकन इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर नल ना हो, मतलब कि अभी वो सेट ना हुआ हो, इज़ नॉट इक्वल टू नल है तो इसका मतलब यूज़र लॉग्ड इन है, अगर नल ना हुआ इसका मतलब वैल्यू है। तो इफ इज़ लॉग्ड इन नहीं है वो बात कर लेते हैं, अगर इज़ लॉग्ड इन नहीं है तो हम करेंगे उसको इधर क्या होता है इसके पास रीडायरेक्ट होता है, आई गेस नहीं होता इसका, होता है इसमें बल्कि रीडायरेक्ट ही फंक्शन है, रीडायरेक्ट बल्कि होता है शायद, तो हम कर देते हैं इसको रीडायरेक्ट स्लैश यूजर्स स्लैश साइन इन के पेज पे, ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर हम रिटर्न कर देते हैं इसको चिल्ड्रन, ठीक है, रिटर्न चिल्ड्रन कर देते हैं। और एलिमेंट में ये होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम ये लिखने के बजाय हम बल्कि इसको एक्सपेंड करवा देते हैं, तो प्रोटेक्टेड राउट के अंदर हम रैप कर देते हैं वो राउट जिसको हमने प्रोटेक्टेड बनाना हो, लाइक दिस। सो नेक्स्ट टाइम अब ये रिफ्रेश करूँगा तो ये कहीं नहीं लगे गया, एरर आ गया प्रोटेक्टेड राउट्स में, सबसे पहले तो प्रोटेक्टेड राउट है, ठीक है, उसके बाद एरर क्या है वैसे, लोकल स्टोरेज फ्रॉम, अच्छा ये सॉरी ये मेरे ख्याल से ये मैंने कुकीज़ डिसेबल्ड की हैं, हालांकि अलाउ की हैं मैंने, ऑलवेज अलाउ कंटिन्यू, अच्छा डन कर देते हैं, अब देख लेते हैं रीलोड करके। बेसिकली मैंने जो मेरी मैंने कुकीज़ हैं वो की हुई हैं, क्या उसे कहते हैं, डिसेबल की हुई थी जिसकी वजह से ये नज़र आई, ये सारे एरर्स वही हैं कि छोटे छोटे हमने क्लास नेम कहीं लिख दिया और कहीं पे मैप में फंक्शन दिया हुआ। सो अभी मुझे इधर ले आया जबकि इसको इधर लाना नहीं चाहिए था, ऐसे ही है, तो हम इसको देख लेते हैं, प्रोटेक्टेड राउट में गया, गेट इज़ नॉट नल इसने कह दिया, क्यों कहा ये देख लेते हैं, इज़ लॉग्ड इन चेक करके कि इज़ लॉग्ड इन में हमारे पास क्या आता है, ऐसे ही है, लॉग्ड इन हमारे पास फॉल्स आ रहा है, तो अगर लॉग्ड इन फॉल्स आ रहा है तो इसको ट्रू हो जाना चाहिए, तो रीडायरेक्ट कर देना चाहिए था इसको, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन खैर रिटर्न की ज़रूरत नहीं थी, लॉग्ड इन है तो रिटर्न कर दो इधर, रिटर्न कर दो। इसके अलावा अगर ये नहीं रीडायरेक्ट चल रहा तो इधर काम आता है नेविगेट, हम यूज़ नेविगेट जो उधर यूज़ कर रहे थे मतलब नेविगेट, तो यहाँ पर हम इसको नेविगेट करा देते हैं, नेविगेट टू यूजर स्लैश साइन इन, इसको ट्राई कर लेते हैं, तो ये भी नहीं, अच्छा एरर एरर तो दूसरे, अच्छा फॉल्स हो गया है, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होना चाहिए, इस वजह से तो नहीं होगा वैसे, व्हाट इज दिस पर्सन, क्योंकि इफ अगर हम फर्स्ट लाइन में लिख दें तो मेरे ख्याल से वो खुद ही उसको रिटर्न ही कराता है, लेकिन इस केस में शायद नहीं हुआ, खैर इसको देख लेते हैं। तो ये बेसिकली नेविगेट अप करके ले जाएगा हमें यहाँ पे, तो अगर हम इसको लेके जाने जाएंगे ऐसे तो ये मसला हमें कर देगा, और अभी इसको बाईपास करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि इसको हम और की वैल्यू देके ट्रू भी कर सकते हैं, तो अगर हम जाना चाहेंगे तो ये हमें ले जाएगा, कोई मसला नहीं देगा। सो ये हमारे पास राउटिंग भी हो गई है, और इसके अलावा एक और चीज़ है, एक और कंडीशन लगा लेते हैं बेसिकली, क्योंकि अब ये है कि एक दफ़ा एक लॉगिन हो गया यूज़र तो फिर वो यूज़र स्लैश साइन इन पे ना जा पाए, ठीक है, तो एक ये भी कंडीशन लगा लेते हैं हम, उसके लिए अगर हम उस ये करें कि अगर तो लॉग्ड इन नहीं है तो फिर तो आप साइन इन पे करेंगे, ये हो राउट भेजेंगे नहीं, एल्स इफ एल्स अगर लॉग्ड इन है, सॉरी इज़ लॉग्ड इन ट्रू है, ठीक है, और जो
विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ जो है डॉट इंक्लूड्स कर देते हैं, वो यूज़र्स है, यूज़र्स उसमें इंक्लूड है, ठीक है, यूज़र्स इंक्लूड है। सो हाँ ठीक है, या हम इसको ये कर लेते हैं ऐसे कि एग्जैक्ट कर देना है स्लैश साइन अंडरस्कोर इन, और एक दे देते हैं स्लैश अंडरस्कोर साइन अंडरस्कोर अप, ठीक है, डॉट, सॉरी इसको बंद नहीं किया, डॉट इंक्लूड्स विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ में। अगर विंडो डॉट इज लॉग्ड इन है और ये इंक्लूड है, मतलब इस यूआरएल पे है वो, तो हम क्या करेंगे इसको रिटर्न करवा देंगे मेन पेज पे, ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है। अभी सॉरी नहीं, ये चल जाना चाहिए था शायद, क्योंकि अगर मैं भी आता हूँ मुझे ले जाता है, और अगर मैं यूज़र स्लैश साइन पे जाऊँ तो मुझे मेन पे ले जाना चाहिए इसको, स्लैश इंक्लूड्स, अच्छा नहीं 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 ये मेरे ख्याल से इधर चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, अगर मैं इसको कॉपी करके कंसोल में पेस्ट करूँ, हाँ तो फॉल्स आएगा कि विंडो डॉट लोकेशन में सब कुछ आ जाता है, तो हमें विंडो डॉट लोकेशन डॉट होस्ट नेम एच रेफ पाथ नेम पकड़ना चाहिए, ठीक है, पाथ नेम आना चाहिए सबसे पहले, तो इधर आ जाएगा पाथ नेम, और फिर मुझे इधर पूरा पाथ देना पड़ेगा जो इधर आ रहा है, यूज़र्स आ रहा है ना, उससे पहले स्लैश स्लैश यूज़र्स और स्लैश यूज़र्स, अब ये चल जाना चाहिए। फिर देख लेते हैं क्या मसला इसको, अब ट्रू कर रहा है, तो जब ट्रू कर रहा है तो फिर इसको वहाँ पे जाना चाहिए था मेरे ख्याल से, यहाँ पे जाता है तो अगर इधर यूजर स्लैश साइन इन पे जाना चाहता है तो यहाँ पे इसको नहीं लेके जाना चाहिए था, लेकिन लेके जा रहा है, तो इसका मतलब क्या ये नहीं चल रही टू की इस कंडीशन। देख लेते हैं कंसोल करवा के, ये कंसोल होता है कि नहीं हो रहा वो कंसोल, इसका मतलब वो फिर वहाँ पर जाता नहीं है शायद, स्ट्रेंज स्ट्रेंज स्ट्रेंज। मसला बेसिकली अपना ही है कि इसको भी हमने प्रोटेक्टेड राउट में डाला नहीं, तो जब प्रोडक्टेड राउट में है ही नहीं तो फिर वो कहाँ से चलेगा, दैट्स राइट। ठीक है तो अब चेक कर लेते हैं, अगर मैं अब यूज़र साइन में जाता हूँ तो ये मुझे वापस भेज देगा, तो अब ये सही चल पड़ा, वो हमने उसको प्रोटेक्टेड डॉट में डालना नहीं था, तो ये इस तरह कुछ होगा हमारे पास, तो यही है हमारे पास रिएक्ट आउटिंग। अच्छा ऑप्टिमाइजेशन की तरफ अभी नहीं जा रहा, और शायद इस सीरीज़ में ना भी जाऊँ, क्योंकि थोड़ी सी ये फ्रंट एंड की ऑप्टिमाइजेशन है, अगर इस पर आप अगर चाहें तो मैं एक फुल ऑप्टिमाइज सिर्फ रिएक्ट जेएस का कोई कोड या स्पेसिफिक कोई कोड जिसमें लेजी लोडिंग हो, लेजी मॉड्यूल लोडिंग हो, मतलब पहले से मॉड्यूल कंपोनेंट लेजी लोड हो, जिस कंपोनेंट पे जाएं तब भी वो लोड हो, ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काम बड़े आते हैं, छोटे पे इतना शायद असर ना पड़े, और ये जैसे हमने अभी प्रोटेक्टेड डाउट सब में यूज़ किया हुआ है तो क्यों ना हम इसको मैप करा देते, तो इस तरह की छोटी छोटी ऑप्टिमाइजेशन है, इनमें मैं जानना चाहता थोड़ी सी कुछ जो बिगनर्स हैं उनको शायद समझ ना लगे, और इसमें शायद थोड़ा सा टाइम उस तरह जाता है, तो उस वजह से मैं ये नहीं कह रहा ताकि सिंपल रखूं और जल्दी जल्दी करूं, ताकि दूसरी चीज़ें हम कवर करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ भी कवर की जाए इस तरह की चीज़ें, तो इसके लिए एक अलग से मुझे कमेंट्स करें, ताकि मैं फिर उस लिहाज से एक अलग सीरीज़ बना सकूं जिसमें आप सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन की तरफ देखें। अच्छा तो ये अब हमारे पास रिएक्ट राउटिंग चल पड़ा, तो अब मेरे ख्याल से हमारे पास हमें बैकएंड की तरफ जाना पड़ेगा, अब हम बैकएंड बनाएंगे जिसमें लॉगिन साइन अप के फंक्शनैलिटी होगी, और उसके बाद
हमारे पास यूज़र और इसके साथ की फंक्शनैलिटी है, उसके पास सॉकेट आयो हम यूज़ करेंगे और इन दैट हम इसको कनेक्ट कर देंगे फ्रंट एंड के साथ। तो अब हम करेंगे डीबी को कनेक्ट।